नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 6 अगस्त 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आसाम, डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी उड़ीसा। देखो ये है क्या, ये जो अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल है, अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल के तहत जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये है इसका मकसद। अब बात तमिलनाडु की है, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। तमिलनाडु के इसके ओडिशा के सीएम कौन है? सीएम है नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल? राज्यपाल है गणेशी लाल। अच्छा ये बताओ मुख्य न्यायाधीश कौन है उड़ीसा के, यानी चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। फिर से बोलता हूँ, मोहम्मद रफीक उड़ीसा के चीफ जस्टिस हैं, और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा जिले बताओ कितने हैं उड़ीसा में, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं 30। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की 147 सीटें हैं। अब ये बताओ ओडिशा राज्य की बाउंड्री कितने राज्यों के साथ टच होती है? तो ये टोटल 4 राज्यों के साथ टच होती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और चौथा है आंध्र प्रदेश। अच्छा ये बताओ स्टेट एनिमल क्या है ओडिशा का? स्टेट एनिमल है सांभर। और स्टेट बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। और राज्य के वृक्ष ये क्या है? ये ट्री, सॉरी अशोका। राज्य के वृक्ष जो है उड़ीसा का ये है अशोक। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। देखो एचडीएफसी बैंक ये है क्या, ये है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसका गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 1994 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक की? टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर से बोलता हूँ वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं, वरुण श्रीधर कौन है? इनको पेटीएम मनी का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया था। एन शिवरमन ये कौन है? एन शिवरमन आईसीआरए, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया था एन शिवरमन को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये कौन है? ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव बनाए गए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी विजय कुमार चौधरी। इन्होंने इस बुक को लिखा है और इसका विमोचन किया गया था बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार इनके द्वारा। अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं, जैसे करणपुरी ये कौन है? इन्होंने एक बुक लिखी थी हैशटैग मी टू, याद रखेगा हैशटैग मी टू। उर्जित पटेल इनकी बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फिर से बोलता हूँ ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। डॉक्टर अधीशा दास इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। फिर से बोलता हूँ द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ, इस बुक को लिखा गया था डॉक्टर अधीशा दास के द्वारा। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए ली सिन लुंग, ऑप्शन बी मोहम्मद इरफान अली, ऑप्शन सी हमीद बकायोको, ऑप्शन डी जीन कास्टेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी मोहम्मद इरफान अली को गायना का नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं, जैसे ली सिन लुंग ये कौन है? इनको सिंगापुर का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। हमीद बकायोको ये कौन है? इनको आइवेरी कोस्ट का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। और ये जीन कास्टेक्स ये कौन है? इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। अच्छा ये बताओ ये गायना जो है
ये देश कहाँ पर है? तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। फिर से बोलता हूँ, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहीं पर ये देश है गायना, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में। और इसकी कैपिटल क्या है? गायना की जो कैपिटल है ये है जॉर्ज टाउन। करेंसी क्या है गायना की? करेंसी है गुयानाइस डॉलर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? हु बिकेम द हेड ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, वी आर चौधरी, जिनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। इनको अभी ये हेड बने हैं वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स के। अच्छा ये बताओ, ये जो इंडियन एयर फोर्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन एयर फोर्स इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में। और इसको गठन कब किया गया था? इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को, 1932 में। इसलिए इंडियन एयर फोर्स डे ये जो बनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट है एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया। फिर से बोलता हूँ, आर के एस भदौरिया ये इसके प्रेसिडेंट हैं। जिन लिक्विन ये कौन है? ये AIIB, क्या है ये? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। अनिल कुमार झा ये कौन है? देखो एक है ग्रीन पैनल कंपनी, इस ग्रीन पैनल कंपनी का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। और उर्जित पटेल ये कौन है? ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक यानी एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए थे। किसके? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों यानी एक्टिव वोल्केनोज की खोज की है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी रिसेंटली वीनस प्लैनेट पे एक्टिव वोल्केनोज की खोज की है। एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? देखो ये होते हैं जो 10,000 साल में कम से कम एक बार इरप्ट हुए हों उन्हीं को एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। अब बात स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है बर्न। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है स्विस फ्रैंक। और प्रेसिडेंट कौन है स्विट्जरलैंड के? प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमरुगा। फिर से बोलता हूँ, सिमोनेटा सोमरुगा। अच्छा ये बताओ ये स्विट्जरलैंड है कहाँ पर? ये यूरोप में है, सेंट्रल अमेरिका के पास, सेंट्रल यूरोप के पास है स्विट्जरलैंड, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के एक जिले अकोला में। ये जो अकोला जिला ये महाराष्ट्र में है। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अकोला है ये जो जगह है ये किस राज्य में है। ऐसी जो जगह होती है जो न्यूज में होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये महाराष्ट्र में है। और ये जो भारत एयर फाइबर सर्विसेज इसका मकसद क्या है उद्घाटन करने का? देखो इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी को तेजी देना ये इसका मेन टारगेट है। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। और इसके जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस कौन है बॉम्बे हाई कोर्ट के यानी मुख्य न्यायाधीश? तो ये हैं दीपांकर दत्ता। अब ये बताओ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखो महाराष्ट्र जो है ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जहाँ पर ये दोनों होती हैं उसको बोला जाता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और जहाँ पर सिर्फ विधानसभा होती है उसको बोला जाता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं बॉम्बे में यानी महाराष्ट्र में? विधानसभा की हैं 288 सीटें, और विधान परिषद की कितनी है? 78 सीटें। लोकसभा की कितनी है महाराष्ट्र में? लोकसभा की है 48, और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की है 19। और टोटल जिले कितने हैं महाराष्ट्र में? टोटल जिले हैं 36। अब ये बताओ कि महाराष्ट्र की बाउंड्री किन राज्यों के साथ टच होती है? तो इसकी बाउंड्री टोटल 6 राज्यों के साथ टच होती है। क्या नाम है उनके? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। फिर से बोलता हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गुजरात, इन 6 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है
वो टच होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, सी नेपाल, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ब्रिटेन। देखो किस लिए, ब्रिटेन में काले एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समुदाय के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती दिलचस्पी के बीच महात्मा गांधी की स्मृति में सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। देखो ये जो है ना, जैसे ब्लैक और ऐसे एशियन और एथनिक कम्युनिटीज, ये याद रखिएगा आप। अब इसमें क्या हुआ था, देखो गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा की वकालत की और भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये तो इम्पोर्टेंट बात है। अब बात ब्रिटेन की है, ये आप याद रखेगा। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है, लंदन। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है, ये चलती है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के, तो ये है बोरिस जॉनसन। अच्छा ये बताओ हाई कमिश्नर कौन है, यानी उच्चायुक्त कौन है ब्रिटेन में भारत के, तो ये है गायत्री कुमार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के ब्रिटेन में हाई कमिश्नर कौन है, तो यह है गायत्री कुमार। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।